बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आज ईद का फर्स्ट डे है, आप सबको ईद मुबारक। तो हम लोग सुबह 6 बजे से उठे थे, लोग नमाज़ पढ़ने गए और नमाज़ पढ़ के आकर इन लोगों ने कुर्बानी की, कसाई आ गया था फ़ौरन। उसके बाद एक कुर्बानी वगैरह से फ्री होकर 1 से 1.5 बजे घर में आए हैं और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही गाड़ी आ गई थी, इन्होंने गाड़ी की हुई थी। तो इन्होंने कहा जल्द से रेडी हो जाए, फिर हम लोग रेडी होकर हम लोग निकले। इस वक्त हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, आप लोग देख रहे होंगे दोपहर हो रही है, इस वक्त बहुत गर्मी। बच्चों कैसा लग रहा है गाड़ी में बैठ के? बहुत गर्मी 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 लग रही है। अभी हवा आएगी ना तो बैठता हमारी गाड़ी। पापा, अच्छा 3 दिन से हमारे यहाँ नहीं है मेरा। अभी से आप उन तो दे देते हैं। सो भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि पापा उनकी गाड़ी लेकर आ गए हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सब बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। बस अल्लाह पाक ने दिया तो इंशाल्लाह ताला हम भी गाड़ी लेंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें इंशाल्लाह ताला, तो हम भी गाड़ी लेंगे। तभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पम्प पर ताकि हम पेट्रोल भरवा सकें, ताकि तभी तो हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। कहाँ कहाँ जाना है हमने, तो पेट्रोल भरवाने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं इनके चाचा के घर की तरफ। ये किसका घर है? हमजा का है। अच्छा, उन्हीं का घर। हम तो उसको बोल के आते थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो बस वहाँ जाने के बाद हम थोड़ी देर बैठेंगे, मुश्किल से आधा पौना घंटा, तो फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं ताकि हमें दूसरी जगह जाना है। तो इस वक्त आई थिंक 3:30 तो बज ही रहे होंगे और बस हम लोग निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल तो नहीं जा रहा मज़ीद कहीं और जाने का, लेकिन अब जाना तो है ना। तो बस हम निकल रहे हैं इस वक्त इनकी अम्मी के घर की तरफ, तो वहाँ जाएँगे। शारिक भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैं इनका चेहरा देख रही हूँ, थका हुआ लग रहा है। एक तो सुबह से उठे हुए हैं और फिर रात में भी 3 बजे गए थे क्योंकि गाय वगैरह को नहला धुला रहे थे शाम में, और उसके बाद उसका जो भी हो था सब कुछ कर रहे थे जानवर का। तो उसके बाद 3 बज गए थे सोते होते, फिर सुबह उठ गए, 3 घंटे ही सोए, उसके बाद भी जो है ना ये गाड़ी चला रहा है। सो ये कि अल्लाह का शुक्र इनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, वरना इनकी तबीयत फ़ौरन ख़राब हो जाती ज़्यादा, जब नींद पूरी नहीं होती ज़्यादा थक जाते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है सही थे, पूरा दिन हमने अच्छे से गुजारा, अच्छा दिन गुजरा और गाड़ी लेकर आ गया, ये एक अच्छा हुआ कि हम सुकून से बैठ के चला गया, वरना तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम इतनी सही जगह पर जा सकते हैं। फिर अल्लाह पूरा ब्लॉग दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, टिकटॉक पर मुझे फॉलो कीजिएगा, सारे लिंक्स आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो भाई रास्ते में ही हैं, अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले, बल्कि पहुँच ही गए तकरीबन। वो इनकी अम्मी के घर पहुँच चुके हैं और गलियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है और जगह जगह भी जो है ना ये देख रहे हैं, इतनी ये इनकी गली के पास ही है, इतना ज़्यादा गंदगी हो रही है। बहरहाल हम घर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर जो है इनके चाचा का बकरा बना हुआ है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक और चाचा भी रहते हैं, तो ये छोटा सा बकरा ये देख रहे हैं, अब इनका बकरा बना हुआ है। इनकी कुर्बानी 2nd डे वाले दिन होगी और रमीज़ बाहर लेके चला गया था कैमरा, तो जहाँ पर इतनी बड़ी गायें यहाँ पर बनी हुई थी, सिब्बी क्या कहते हैं बड़ी गायें को, तो वो बनी हुई थी, तो वो दिखाने लेके गया अपने इनको और उसके बाद वीडियो बनाई। फिर हम बस वापसी हो गए, 1.5 घंटा वहाँ बैठे होंगे, उसके बाद हम वापसी की तरफ चल पड़े। तो मौसम काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सी व्यू की तरफ चलते हैं। सो थोड़ी देर वहाँ सी व्यू की तरफ जाते हैं क्योंकि वैसे तो रात के खाने में हम लोग इनवाइटेड थे मेरी अम्मी के घर, सो इसलिए मैंने कहा कि चलो सी व्यू चलते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, शाम का टाइम है। सो भाई हमारी सवारी रवाना हो गई सी व्यू की तरफ। सो जनाब बस सी व्यू आने वाला है, हम करीब करीब ही हैं। तो भाई जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतना ज़्यादा रश था और लड़के ज़्यादा आए हुए थे, तो सब पानी तो बहुत दूर दूर था, बाकी ये कि सर नज़र आ रहे थे सबके, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने बोला नहीं भाई, इस वक्त तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी जाना मुनासिब नहीं होगा। सो हम लोग आगे तक गए कि कहीं पर हमें जगह खाली नज़र आए, तो मैंने कहा कि चलो वापस चलते हैं, अब बेकार यहाँ पर। तो चलते चलते वापसी हम आने लग गए और वापसी में जो है ना ये मगरिब हो गई, रात हो गई,
तो अभी मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई हूँ। वहाँ का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे भी मैं एक डेढ़ घंटा ही बैठी थी, ज़्यादा देर नहीं बैठी थी। उन्होंने खाना रखा था, पाव था और कच्चे कीमे के कबाब थे, इसके अलावा टिक्का बोटी मसाला था और सलाद रायता वायता कलीजी थी, तो खाना बहुत मज़े का था। इसके अलावा मीठे में सेवैयाँ थी, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग सिर्फ नाश्ता किए हुए थे और चाचे के घर में मैं थोड़ा बहुत मैंने खाया था और बच्चों ने खाया था, ईशान ने और उसके पापा ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो कलीजी बनाई थी, कीमा बनाया था, तो वो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। और खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए मेरी नानी के घर की तरफ, क्योंकि हमने जाना था अपने घर तो बीच में पड़ता है मेरी नानी का घर, तो हमने बोला चलो नानी के पास चलते हैं सलाम करने के लिए। सो नानी का घर भी आ गया है, बस हम गाड़ी से उतर कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये इनका गेट खुला हुआ है, इसका मतलब है कोई ना कोई बाहर है, गली में ही है। सो गेट खुला हुआ है, हम भी अंदर चले गए सीधे सीधे और ऊपर चले गए। नीचे मेरे मामू का था पोर्शन, तो वो जो है अब्रॉड में होते हैं, यूके में होते हैं, तो वो बंद है इस वक्त। तो ऊपर जो है हम लोग जा रहे हैं, इससे ऊपर भी रहती हैं खालाएँ वगैरह मामू। सो जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो है मेरी नानी रहती है, बड़े मामू रहते हैं। नानी के रूम में हम सीधे चले गए। सो नानी के घर में पहुँच चुकी हूँ, नानी की कमरा में पहुँच चुकी हूँ। नानी खाना खा रही थी बैठी हुई, तो हम सब वहाँ बैठे और इसके अलावा बस थोड़ी देर बैठे थे, मेरे ख्याल में 20 से 25 मिनट ही बैठे होंगे। फिर इसके बाद मैं बस घर के लिए रवाना हो गई। सो बस ये फर्स्ट डे इस तरह से गुजरा। घर हम पहुँचे तकरीबन 11:30-12 ऐसे ही हो रहे थे, घर पहुँचे तो लाइट चल गई थी। तो बहरहाल फिर एक घंटे बाद लाइट आ गई, तो फिर हम लोग सोए हैं। सो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।